कवि के दायित्व की ओर आ गया हूं। मैं समझता था कि मेरा काम हो गया है और करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, वही वाली स्थिति है। आइए एक रचना पढ़ता हूं। मित्रों समय अब काफी देर हो गई है। गुरुदेव सच्ची सच्ची बात कह रहा हूं कि एक बार ऐसे मैं गया था संत कबीर नगर में, एक जगह है घनघटा, तो वहां 43 कवियों की सूची आई मंच पर। वो बहुत सारे शायर, बहुत सारे कवि, एक लखनऊ के शायर आए थे संचालन करने के लिए। पहले से ही नियत था कि वही करेंगे। वो सूची देखकर उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया कि एकदम सच्ची बात कह रहा हूं, उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया कि हम नहीं कर पाएंगे। मामला फैजाबाद के कवि ताराचंद तन्हा की तरफ आया, वो भी हमारे मित्र हैं, तो उन्होंने भी कहा कि भाई तो लंबा काम करना पड़ेगा, हम भी नहीं सोचे थे। बालचंद त्रिपाठी जी वहां बैठे थे, दोनों लोग कान में पता नहीं क्या खुसर फुसर किए और हमसे बोले कि सांडिल्य अब आप ही कर सकते हैं। हमने कहा कहां फंसाए लोग, हमने अपने इष्ट देवता का को स्मरण किया, हमने कहा ये 43 लोगों को कैसे पढ़वाएंगे, ये लोग तो अच्छा फंसाए हैं भाई, हम तो हास्य व्यंग की रचना पढ़ने आए थे। उसी समय वो आने वाला था एक तूफान जिसका नाम था हुदहुद। तो हुदहुद तूफान जो है, थोड़ी ही देर में अभी हम मंच संभलवे किए थे, 5-6 लोगों को पढ़वाए, तब तक वो आ गया। तो हुदहुद, हालांकि ये अंग्रेजी नाम मतलब लगता है हुदहुद रखा गया, हालांकि ये भोजपुरी में इसको अंग्रेजी में लिख के और भोजपुरी में पढ़िएगा जब, तो HUD लिखेंगे तो हद हद हो जाएगा। अब भोजपुरी में कहते हैं कि बड़ा हद हद पानी पड़ल तो हुदहुद तूफान ने हमारी रक्षा की। अब वो कार्यक्रम अस्त व्यस्त हो गया, सारा टेंट मेंट गिर गया समझिए। हालांकि उसका पेमेंट भी आयोजक भाग खड़ा हुआ, कहा कि हमारे तो पैसे भी नहीं आया गोरखपुर से। मैंने उस किस्सा बड़ा रोचक है, और 6-7 महीने बाद काफी फोन ऑन करने के बाद उसमें हम लोग का पेमेंट आ पाया। आइए एक रचना पढ़ता हूँ। दिवाली का त्योहार बीता है अभी और देव दीपावली कल है। मैंने फेस्टिव सीरीज में त्योहारों पर कई कविताएं लिखी, उसमें से एक है चूंकि दिवाली की चल रहा है। दिवाली के दिन एक बार ऐसा हुआ कि उस साल वेतन नहीं मिला था हम लोगों को, और 29 तारीख को दिवाली पड़ी थी। सरकार ने कहा था कि दिवाली को वेतन मिल जाएगा, लेकिन आ नहीं पाया समझी। मैं अपने कॉलोनी के एक मित्र के संग जा रहा था, तो रास्ते में उन्होंने कहा कि गुरु जी सारा पैसा खर्चा हो गया, हमारा भी कुल खर्चा हो गया था। वहां तक आते आते हो भी जाता है, वो तो खर्चा तो धनतेरस से हो जाता है। तो हमारे मोहल्ले के पड़ोसी ने कहा कि गुरु जी सब लोग कहता है कि लक्ष्मी आ रही है कि जा रही है। ये ज्ञान गंगा ज्ञान प्रवाह के पास जो पुल है दमदार भाई, वहीं बैठ के हमने ये कविता लिखी। विषय वस्तु हमारे पड़ोसी ने दिया कि लक्ष्मी आ रही है कि जा रही है। मैं एक रचना पढ़ता हूं कि रोज ही मेरी कमाई जा रही है, कौन कहता है कि लक्ष्मी आ रही है। रोज ही मेरी कमाई जा रही है, कौन कहता है कि लक्ष्मी आ रही। और निम्न मध्यम वर्ग का एक व्यक्ति शहर में किराए पर रहता है, कार्तिक महीने में दिवाली पड़ती है, गांव घर के लोग भी आ जाते हैं घर परिवार के, क्योंकि नहान का भी त्योहार है। आप पंक्तियां सुनिएगा, 3 अनुच्छेद की छोटी सी कविता है कि रोज ही मेरी कमाई जा रही है, कौन कहता है कि लक्ष्मी आ रही है। आगे देखिए कि गांव से इस बार मेरी माँ चली आई हुई, झुझलाहट देखिएगा कि गांव से इस बार मेरी माँ चली आई हुई है और अपनी 2 पड़ोसन साथ में लाई हुई। गांव से इस बार मेरी माँ चली आई हुई है और अपनी 2 पड़ोसन साथ में लाई हुई है। रोज मंदिर जा रही हैं, सैकड़ों रुपए गले हैं उनके गंगा की बदौलत, हम ही नंगे हो चले हैं। उनके गंगा की बदौलत हम ही नंगे हो चले हैं, तो बैठ कर हफ्तों से बुढ़िया खा रही है, कौन कहता है कि लक्ष्मी आ रही है, कौन कहता है कि लक्ष्मी आ रही है। रोज ही मेरी कमाई जा रही है, कौन कहता है कि लक्ष्मी आ रही है। आप सब जानते हैं कि दिवाली कृषि प्रधान देश है, हम लोगों का स्वच्छता का त्योहार रहा। पहले बरसात में जो घर क्षतिग्रस्त हो जाते थे मिट्टी के, उसको लेवरन लिपन, हम लोग के जमाने में बुद्धिहीन जी समझ सकते हैं, वो होता था। आजकल त्योहार दूसरे तरीके से
कैसे मनाते हैं। अब औरतें ब्यूटी पार्लर जा रहे, भाभी जी बेटी मैं पंक्तियां आपको रखता हूं कि आ गया त्योहार है भैया, आ गया त्योहार है, उनको निखरना चाहिए, इस बहाने भी तो घर का धन बिखरना। आज थ्रेडिंग और ब्लीचिंग, कल है पेडीक्योर शायद। आप समझ सकते हैं कि हम ऐसे पढ़े जैसे हमने ब्यूटी पार्लर में काम किया है। आज थ्रेडिंग और ब्लीचिंग, कल है पेडीक्योर शायद, हेयर ड्रेसिंग का प्रोसेसिंग वो भी होगा श्योर शायद। तो रोज बीबी पार्लर ही जा रही है, कौन कहता है कि लक्ष्मी आ रही है। रोज ही मेरी कमाई जा रही है, कौन कहता है कि लक्ष्मी आ रही। और आजकल लिस्टिंग होती है कि दिवाली पर किसको क्या चाहिए। बहुत बड़ी बात कहने जाता हूं गुरुदेव के आशीर्वाद से कि धनतेरस जो धनवंतरी का त्योहार था, आरोग्य बढ़ाने वाली चीजें पहले हम लोग खरीदते थे, अब हम स्वास्थ्य बिगाड़ने वाली चीजें खरीद रहे हैं। हम च्यवनप्राश नहीं खरीदते, हम अब कार मोटरसाइकिल खरीदते, साइकिल नहीं चलेगी तो आरोग्य खराब ही होगा। तब वहां से पढ़ता हूं लिस्टिंग जो होती है कि इनको टीवी फ्रिज मिक्सी, इनको टीवी फ्रिज मिक्सी और उनको लैपटॉप, लिस्ट सबका देखकर मेरा बढ़ा है रक्तचाप, खत्म वेतन हो गया है, सिर्फ बोनस का भरोसा, रोज बच्चे खा रहे हैं पिज्जा बर्गर और डोसा, खत्म वेतन हो गया है सिर्फ बोनस का भरोसा, रोज बच्चे खा रहे हैं पिज्जा बर्गर और डोसा, लिस्ट सबकी क्लिष्ट होती जा रही है, कौन कहता है कि लक्ष्मी आ रही। रोज ही मेरी कमाई जा रही है, कौन कहता है कि लक्ष्मी आ रही।